पावर ड्राइंग के बारे में। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पावर की ड्राइंग को आप कैसे पहचानेंगे, कितने स्विच, कितने सॉकेट लगेंगे, कितने बक्से लगेंगे। तो दोस्तों, किसी भी ड्राइंग को समझने के लिए सबसे पहले उसका सिंबल दिखा जाता है। चलिए मैं आपको सिंबल फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी सिंबल बने हुए हैं ये पावर के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब कितने का स्विच क्या है, कितना स्विच, कितना सॉकेट लगेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एक सॉकेट मांग रहा है। पहले वन प्लस 16 एम्पेयर का सॉकेट मांग रहा है, यानी कि एक सॉकेट 16 एम्पेयर का लगेगा, एक स्विच 16 एम्पेयर का चाहिए इनको। तो किसी भी ड्राइंग को समझने के लिए उसका सिंबल देखना ज़रूरी है। चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवार के दोनों तरफ बता रहा है कि पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे कितने का बक्सा लगेगा, कितने का सॉकेट लगेगा। तो दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार तीन का बक्सा लगेगा और एक 16 एम्पेयर स्विच, 16 एम्पेयर का सॉकेट लग जाएगा यहाँ पर। अब हम मान लीजिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे बता रहा है टीवी। अब देख सकते हो इस पॉइंट पे बता रहा है टीवी, यानी कि ये टीवी के लिए पावर मांग रहा है, सप्लाई मांग रहा है। तो यहाँ पे कितने का स्विच सॉकेट लग जाएगा। तो टीवी के लिए मैंने किसी भी प्रोजेक्ट पे देखा है, करा काम करवाया हुआ है, तो वहाँ पर 2 स्विच और 2 सॉकेट लगता है टीवी के लिए। तो यहाँ पर आप 8-3 का बक्सा दे सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सर्किट कौन सा होता है। सर्किट नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे है, ये लिखा हुआ है सर्किट नंबर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि एक सर्किट से कितने लूप होंगे, एक सर्किट पे कितने लूप होंगे। सर्किट क्या होता है, सर्किट वो होता है जो आप ड्राइंग से जिस भी तार को लेकर के सीधा प्राइमरी पॉइंट, यानी कि किसी भी डीवी से आप पॉइंट एक वायर लेके आते हो, सर्किट लेके आते हो 3 वायर का, आर वायर भी 3 फेस होता है। तो उसमें से मान लेते हैं कि एक सर्किट हमको बनाना है, तो कॉमन ब्लैक ग्रीन कलर में कोई भी आप ले सकते हो, तो वो सर्किट हो गया। तो वो सर्किट प्राइमरी, यानी कि ये पहला पॉइंट बता रहा है, पहला पॉइंट होता है प्राइमरी। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट हो गया सेकेंडरी, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सब सेकेंडरी में आ गया। तो प्राइमरी वो पॉइंट होता है जो डीवी से उठा करके पहली सर्किट हम पहला पॉइंट बनाते हैं, उसको प्राइमरी कहते हैं। तो ये इसलिए ये आपका ये प्राइमरी पॉइंट हो गया। अब ये बता रहा है कि इस सर्किट से कितने लूप हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये मार्कर बना हुआ है। तो इस तरीके से आप समझते हो क्या, चलो एक सर्किट पे आप देख सकते हो यहाँ एक सर्किट पे ये तीन लूप बता रहा है। और कई बार ये होता है कि मैंने देखा है कि इस तरीके से ये जो लूप बना हुआ है आपस में, ये ड्राइंग में नहीं होता है। बस वहाँ पे देखोगे आप कि इस तरीके से ये जो सर्किट नंबर लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट पे भी सर्किट नंबर लिखा रहेगा, इस पॉइंट पे भी सर्किट नंबर लिखा रहेगा, इस पॉइंट पे भी सर्किट नंबर रहेगा। तो आप जैसे लिखा हुआ है कि सर्किट नंबर 5, अगर यहाँ पर भी सर्किट नंबर फाइव लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सर्किट नंबर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सर्किट नंबर 5 लिखा हुआ, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये बता रहा है कि सर्किट नंबर 5 से इस वाला पॉइंट लूप है, इस वाला भी लूप है, इस वाला भी लूप है। तो ये सारा पॉइंट सर्किट नंबर 5 से लूप है। चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ ये बता रहा है एक्सेस कंट्रोल। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बता रहा है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल बायोमेट्रिक होता है दोस्त, जो फिंगर हम लगाते हैं उसको बायोमेट्रिक होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए गेट खोलता है, ये गेट पर लगता है, गेट खोलता है, गेट पर अगर पंचिंग करेंगे या फिर फिंगर देंगे तो तब जा करके वो गेट खोलेगा। तो डोर पर ही एक्सेस कंट्रोल लगाया जाता है। तो एक्सेस कंट्रोल के लिए आप देख सकते हो ये पावर पॉइंट मांग रहा है, ये एक्सेस कंट्रोल के लिए पावर पॉइंट प्लस डाटा। अब देख सकते हो एक और सिंबल बना हुआ है यहाँ पे ग्रीन, वो डाटा का है। तो इस तरीके से आप ड्राइंग देख करके आप किसी भी साइट पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, काम करवा सकते हो। तो जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी एक साइट पे, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, वहाँ पे एक सर्किट नहीं होगा, कई प्रकार के सर्किट, जैसे ये 6 नंबर यहाँ आ गया, 6 नंबर सर्किट यहाँ बता रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ 5 नंबर बता रहा है। उसके बाद अब देख सकते हो यहाँ पे देखो 4 नंबर सर्किट बता रहा है, 4 नंबर सर्किट बता रहा है।
तो इस तरीके से ड्राइंग समझना बहुत आसान है। ज़्यादा वीडियो में मैं लंबा नहीं जाऊँगा, किसी भी एक पॉइंट को मैंने समझा दिया तो हो सकता है आपको एक ही पॉइंट से सारा ड्राइंग समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे ड्राइंग में एक जैसा ही बना हुआ होता है, सिंबल अलग अलग नहीं होता। यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है ये डीबी का है, ये डीबी का है, ये बैटरी इन्वर्टर का है, ये मैं यहाँ पर ये मैन ब्लॉक पैनल लगेगा। तो इस तरीके से आप ड्राइंग समझ सकते हो, ड्राइंग को पहचान सकते हो। और ये जितने भी आप सिंबल देख रहे हो दोस्त, ये जो लाइन लाइन सी बनी हुई है, ये लाइन लाइन सी बनी हुई है, ये दीवार का है, दीवार भीम का, ये भीम का है। तो आप भीम देख करके भी रूम रूम वाइज रूम देख करके ड्राइंग पकड़ सकते हो, समझ सकते हो, कॉलम देख करके ड्राइंग समझ सकते हो। तो दोस्त ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं जाऊँगा, हो सकता है ये वीडियो आपके कुछ काम आया हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।